समोसा किसको भला अच्छा नहीं लगता। समोसा गर्मा गर्म समोसा मिल जाए वो भी अपने फेवरेट चटनी के साथ, ओहो तो बात ही क्या है, मजा आ जाता है बिल्कुल। और ऐसे बारिश के मौसम में ना बड़ा मजा आता है गर्मा गर्म समोसा खाने में। हमारे इधर अभी ऐसे बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो ऐसे गर्मा गर्म समोसा खाने का बड़ा मन हुआ तो मैं गई थी समोसा लाने। तो ये वाला वीडियो मैं बना के लाई हूँ, तो आइए आज समोसा कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। ये ना हमारे पास ही एक छोटा सा होटल है तो वहाँ का ये वीडियो है, बहुत पसंद करते हैं वहाँ का समोसा सब, तो मैं सोची कि थोड़ा समोसा का भी वीडियो बना लेते हैं। मैं जब गई ना तब समोसा का जो डो होता है वो पहले से ये लोग प्रिपेयर करके रखे थे, बाकी सब प्रोसेस मैं थोड़ा थोड़ा शूट की हूँ, पहले का जो डो बनाने का प्रोसेस मैं शूट नहीं कर पाई। समोसा को कैसे बोर्ड के बनाते हैं ना वो मैं बाद में दिखाऊंगी, अभी पहले देख लेते हैं समोसा का आलू कैसे बनता है, मतलब कि समोसा का जो स्टफिंग रहता है वो। आलू को पहले से बॉयल कर लिए हैं, अब छिलका निकाल के आलू को हाथों से मैश कर रहे हैं। इधर आलू का काम चल रहा है और उधर उनका चूल्हा सब लगाए हुए हैं, वो हो जाएगा तो फिर चना वगैरह सब बनाएंगे। आलू में देने के लिए इधर अदरक लहसुन और हरी मिर्च को कूट रहे हैं, इससे ना आलू का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इनका जो आलू रहता है ना उसका टेस्ट बहुत मस्त लगता है, एकदम ट्रेडिशनल वे में कूट रहे हैं। देखिए ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं करते हैं इसे, ऐसे ही कूट के डालते हैं, इससे ना इसका फ्लेवर जो है वो मस्त आता है आलू में। आलू के लिए मसाला बनाना स्टार्ट हो चुका है। इधर पहले गर्म ऑयल में जो कूट के रखे थे अदरक लहसुन और हरी मिर्च को उसे डाल दिए। फिर डाल दिए हल्दी पाउडर, थोड़ा भून लिए। फिर बाकी सब मसाले जो यूज़ होते हैं उसे डाले थे, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कसूरी मेथी और कश्मीरी रेड चिली पाउडर। फिर डाल दिए थोड़े से उबाले हुए चने। और फिर डाल दे हमारा आलू। अब कर देंगे अच्छे से आलू को मिक्स मिक्स मिक्स। अच्छे से पूरा आलू को मिक्स कर रहे हैं देखिए, ताकि जो मसाले हैं सभी आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब समोसा कैसे बोलते हैं देख लेते हैं। ये जो हाफ हाफ कटिंग करके रखे थे वहां पे पहले देखिए पानी लगा रहे हैं, फिर आलू का स्टफिंग डाल के फिर उसे बोर्ड के हाथों से प्रेस करके रख रहे हैं, शेप दे रहे हैं समोसा का शेप। मैं स्लो मोशन करके भी आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ा समझ में आए कि कैसे बना रहे समोसा बोल के।
उधर देखिए चना करी भी बन रहा है, ये बालूशाही भी बनेगा, पहले से बना के रखे हैं इसे भी तलेंगे। अब जो ना पहले से बालूशाही बना के रखे थे ना उसे पहले तल रहे हैं, उसके बाद आएगा समोसा, क्योंकि समोसा अभी भी बन रहा है तो बालूशाही बन के खत्म हो चुका है, उसे पहले तल रहे हैं। ये जो समोसा है इसे ये लोग ना चाट के हिसाब से भी ऐसे सेल करते हैं, और समोसा और जो चने का करी उसके साथ देते हैं। धुएं के वजह से ना अच्छे से दिख नहीं रहा है समोसा, समोसा तल रहे हैं। देखिए समोसा तलने के लिए ना ऑयल बहुत ही मतलब कम गर्म होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा गर्म वाला ऑयल में समोसा नहीं तला जाता है, थोड़ा सा ही जब ऑयल गर्म होता है तभी समोसा को डाल देते हैं। ऐसे करने से समोसा अच्छे से अंदर से पकता भी है और एकदम खस्ता समोसा बन के रेडी होता है। तो ये बन गया है हमारा गर्मा गर्म समोसा। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा जरूर। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।